हाय दोस्तों आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है दोस्तों जीएसटी काउंसिल की फोर्टी नाइन्थ मीटिंग एटीन फेफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को हुई इसमें कई अच्छे आउटकम्स आए हैं कई एम स्कीम के लिए प्रपोजल रखा गया है तो जिसके बारे में आज हमें इस वीडियो में समझना है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए और वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला प्रपोजल जो है वो है लेड फी फॉर एन्यू रिटर्न के रिडक्शन के रिलेटेड जैसा हम जानते हैं सेक्शन फोर्टी सेवन हमारी जो एनुलटन लेड फी थी टू हंड्रेड रुपीज पर डे जिसे प्रपोजल रखा गया है कि इसको रिड्यूस करना है रिड्यूस को इस तरह से होगा कि जो एग्रीगेट टर्न जिनका फाइव करोड़ के नीचे है या फाइव करोड़ है उनके लिए फिफ्टी रुपीज़ पर डे रखी जाएगी जिनका एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू फाइव करोड़ होगा उनके लिए फिफ्टी रुपीज़ पर डे रखी जाएगी और जिनका एग्रीगेट टर्न ओवर फाइव करोड़ के ऊपर होगा एंड अप टू ट्वेंटी करोड़ उनके लिए ये लेट फी हंड्रेड रुपीज़ पर डे रखी जाएगी यानी फिफ्टी रुपीज़ सी 50 एस टी फिफ्टी रुपीज़ एच जी एस टी पर डे टोटल हंड्रेड रुपीज़ जिसकी कैपिंग लिमिट होगी पॉइंट ज़ीरो टू परसेंट सी जी एस टी ज़ीरो परसेंट एच जी एस टी पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट टर्न का मैक्सिमम कैपिंग लिमिट होगी जो कि पहले हमारी यही लिमिट थी जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट आप देख सकते हैं अच्छा खासा फ़र्क आएगा कहाँ ये ज़ीरो पॉइंट टू फाइव और ये कहाँ जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट तो एक बहुत अच्छा वेलकम चेंज है ये दूसरा एक बहुत अच्छा प्रपोजल जो रखा गया है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की रिलेटेड यानी जो हमारा पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता था सो मोटो बेसिस पर तो जिसको रिवो करने की लिए हमारे पास डेज हुआ करते थे थर्टी डेज जो टाइम रहा करता था थर्टी डेज का जिसको बढ़ा के ये नाइन्टी डेज करने की बात कर रहे ये भी बहुत अच्छा वेलकम चेंज है थर्टी डेज से बढ़ाकर इसे नाइन्टी डेज कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट तीन महीना होता है ये तीन महीना टाइम एक सफिशंट टाइम है रिवोकेशन के लिए अगर टैक्स पेयर जो उसका टैक्स अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जो भी भरना होता है उसके लिए उसे अच्छा टाइम मिल जाएगा और नेक्स्ट प्रोपोजल है वो जिनकी नंबर कैंसिल हो चुके हैं जो ओल्ड नंबर कैंसिल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के उसके रिलेटेड है तो ये क्या बता रहे कि एमनिस्टी प्रोवाइडेड इन पास्ट केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स बट एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बी विद इन दिन सेक्शन थर्टी सी जी एस टी एक्ट बाई अलाउविंग डेट यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पहले नंबर पास्ट में कैंसल हो गए थे टाइम भी निकल गया रिवोकेशन का तो उनके नंबर बंद पड़ चुके हैं और वो रजिस्ट्रेशन न होने वैसे बिजनेस नहीं कर पा रहे उनके लिए जो सी बी आई सी एम uh, लाए तो स्पेसिफाइड डेट उसकी उसकी टर्म एंड कंडीशन भी होगी वो भी बताएगी तो वो जल्द आ जाएगी उसके लिए भी प्रपोजल रखा गया है अगला प्रपोजल है कि इंक्रीज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर अनेबलिंग डीम्ड विड्रॉल ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम प्रेजेंट थर्टी डेज टू सिक्सटी डेज एक्सटेंडेबल बाई अनदर सिक्सटी डेज सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस यानी जो सेक्शन सिक्सटी टू था सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन का उसके अंदर जब बेस्ट जजमेंट असमेंट का प्रोसीजर होता था ऑर्डर पास हो जाता था तो रिटर्न फाइल करने के लिए जो टाइम था तो उसके लिए थर्टी डेज जो दिया गया था उसको बढ़ाकर उन्होंने सिक्सटी डेज कर दिया है यह भी एक अच्छा प्रपोजल है कि जहाँ वन मंथ ऑलमोस्ट था थर्टी डेज़ का उसको इन्होंने डेज करने का प्रपोजल रखा है नेक्स्ट प्रपोजल रेसनाइजेशन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए उन्होंने एक अच्छा प्रपोजल रखा है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन केस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया शैल बी लोकेशन उटसाइड इंडिया हो, हो तो उसको उन्होंने एक ही सीधा कह दिया है कि का जो लोकेशन है वही मानकर ये चलेंगे नेक्स्ट जो है ये एक बहुत अच्छी रिलीफ प्रपोज की गई है एम्युनिस्ट्री स्कीम के रिलेटेड है ये कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन फॉर्म जी एस टी आर फोर फॉर्म जी एस टी आर नाइन एंड फॉर्म जी एस टी आर टेन क्या है ए ग्रेट रिलीफ टू ए लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर द काउंसिल रिकमेंडेड एमस्टी स्कीम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग रिटर्न इन फॉर्म जी एस टी आर फोर जीएसटी आर नाइन जी एस टी आर टेन बाय वे ऑफ कंडीशनल वेवर और रिडक्शन ऑफ लेटी तो ये जो जी एस टी आर फोर जो कॉम्पोजिशन जो कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की एनुअल रिटर्न होती है और ये जो जी एस टी आर नाइन रेगुलर जिनके रिटर्न्स होते हैं रेगुलर स्कीम में जो है उनकी जो एनुअल रिटर्न होती है और जी एस टी आर टेन ये तो हम जानते होंगे कि जो फाइनल रिटर्न होती है जब नंबर हम सरेंडर करते हैं उसके बाद ये जो फाइनल रिटर्न भी भरनी होती है तो ये चारों रिटर्न्स के लिए ये प्रपोज कर रहे हैं कि कुछ अम्यूनिस्टी स्कीम लाई जाए ताकि जिन लोगों ने अपना जी एस टी आर और जी एस नहीं भरा है वो भर ले ये कंडीशनल वेव भी हो सकता है या रिडक्शन ऑफ फी के जरिए हो सकता है तो इसको नोटिफिकेशन के जरिए ये आगे पब्लिश करेंगे नेक्स्ट जो अपडेट है ये जी एस टी काउंसिल मीटिंग में नहीं हुई है लेकिन फिर भी एक आ, अच्छी चेंज थी जो पहले आ, मुझे कवर करना था तो मैंने सोचा इस वीडियो में इसको कवर कर लिया जाए वो तो क्या है चेंजेस रिपोर्टिंग ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इन टेबल फोर ए द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड अमेंडमेंट्स विल नाउ बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल फोर ए इंस्टीट ऑफ टेबल फोर बी ऑफ जी एस टी या थ्री बी

कि जो क्रेडिट नोट्स होती थी जिसके से कई बार ऐसा होता था कि जब क्रेडिट नोट हमारी अपडेट होती थी तो वो सेल्स से ज़्यादा हो जाती थी कई बार तो जिससे फिगर नेगेटिव हो जाता था तो वो नेगेटिव फिगर के लिए काफ़ी इशू हो जाती थी हमारे लिए अब उन्होंने इसको तो पहले ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया है जो कि टेबल फोर ए में आ जाएगा इंस्टूट ऑफ टेबल फोर बी और ये नेगेटिव हो जाएगा तो टैक्स पेयर आर अलाउड टू रिपोर्ट नेगेटिव वैल्यू इन टेबल है यानी अभी अलाउड किया जाए कि अब नेगेटिव वैल्यू भी है तो उसको आप माइनस में जो है वो भी हम कर सकते हैं ताकि अगले बार जो सेल होगा उसके अंदर से ये एडजस्ट हो जाए टैक्स पेयर कैन ऑल्सो इंटर नेगेटिव वैल्यू इन इन टेबल फोर डी टू ऑफ जी एस टी आते हुए तो ये भी एक अच्छा चेंजेस इन्होंने पिछले दिनों लाया था जो कि मैंने अब इस वीडियो में इसको कवर किया नेक्स्ट अपडेट जी एस टी रेट जो चेंजेस के रिलेटेड है रैब फ्राम एटीन परसेंट टू फाइव परसेंट इफ़ सोल्ड प्री पैक्ड एंड लेबल्ड और नील इफ सोल्ड अदरवाइज अठारह परसेंट से पाँच परसेंट कर दिया है रेप को जो अगर प्री पैक्ड और लेबल के साथ हो तो इसकी जो टैक्स रेट नील कर दिया यानी कुछ भी टैक्स नहीं होगा नेक्स्ट इन्होंने पेंसिल शार्पनर पर भी अठारह परसेंट से ट्वेल्व परसेंट कर दिया है पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ये इन्होंने अठारह परसेंट से बारह परसेंट कर दिया मुझे तो लगता है इसको तो सीधा फाइव परसेंट रखना चाहिए या तो इसको जीरो कर देना चाहिए पेंसिल शार्पनर बच्चे बेचारे जो पढ़ाई कर रहे हैं गरीब बच्चे होंगे तो उनके लिए ये एक थोड़ा रिलीफ हो जाएगा ये जब टैक्स कम होगा तो उनका जो एंड यूजर के लिए प्राइस हो वो भी कम होगी तो ऐसे तो नहीं रखना चाहिए चलो तो फिर भी ठीक है अठारह परसेंट से इन्होंने बारह परसेंट किया है तो ये जो चेंजेस थे हमने जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो एक समारे फॉर्म में मैंने आपको रखी है दोस्तों रेगुलर बेसिस पे जीएसटी में भी इस तरह से अपडेट्स आने लगे हैं जिसके बगैर एक टैक्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना उसका दुश्वार हो चुका है एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात हो गई है कि बिना अपडेट के ये सब समझे वो प्रैक्टिस कर सके तो अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले दिनों में और भी इस तरह से अपडेट्स जो है जीएसटी के चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वीडियोस आने वाली है तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ टिल देन बाय टेक केयर